सिवनी के छपारा थाना पुलिस को गल्ला व्यापारी के अपहरण मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस गल्ला व्यापारी श्री राम चंद्रवंशी के 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने देवरी गांव के रहने वाले गल्ला व्यापारी श्री राम चंद्रवंशी का अपहरण किया था और फोन पर परिवार वालों से फिरौती मांगी थी। मैं गोरखपुर गया था, वापिस हो रहा था, रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरे को रोक लिया मैजिक में, और रोकने के बाद क्या कहते हैं, गाड़ी की बाइक की चाबी छीन ली और गाड़ी में बैठा कर उनको ले गए, पैसे मांगते रहे, रास्ते भर मारते पीटते रहे। फिर वहाँ से रात में हमने मामा से 20,000 रुपये डलवाए, फिर सुबह फिर पैसे मांगने लगे, तो फिर 1,00,000 रुपये किस मैंने फिर अरेंज करवाया किस मतलब साले के हाथ। इसके बाद फिर छोटे भाई ने पुलिस थाना में आके ट्रेस किए मोबाइल, तो थाना पुलिस वाले ने जाके सब हेल्प किए तो पकड़ा गए। बोलो, श्री राम चंद्रवंशी नाम की व्यक्ति का अपहरण होने संबंधी सूचना अपहृत व्यक्ति के साला घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा थाना में दी गई थी, जिस पर से तुरंत अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को तुरंत घटना की जानकारी देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। श्रीमान द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन करके तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। श्री राम चंद्रवंशी द्वारा फिरौती की मांग की गई थी किडनैपर्स के कहने पर, तो इस बात की जानकारी फिर से घनश्याम चंद्रवंशी ने पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर सुराग प्राप्त करके आगे की तलाश पता साझी करके श्री राम चंद्रवंशी को किडनैपर्स के साथ 1,00,000 रुपए की रकम सहित बरामद किया गया है। अभी 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 2 फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के